लखनऊ की हर चीजें मैं कवर करना चाहता हूँ, दिखाता हूँ उसके अपने पेज के थ्रू, बस यही देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो भाई, यही होगा। इसी को बोलते हैं तगड़ा प्रमोशन के लिए पहले से अपने व्यूअर्स बटोरना। बेसिकली अगर आपके अंदर टैलेंट होगा तो ही आप शॉर्ट फॉर्मेट भी बना पाओगे, और उसमें उस हिसाब की एडिटिंग, उस हिसाब का कॉन्टेंट डालना, वो भी एक आइडिया होना चाहिए। तो काफी अच्छा लगता है, ये सब आप ही लोगों की वजह से होता है। तो घर में तो लाइन लगी होगी अवार्ड की। नहीं, काफी हो गए हैं। लखनऊ का नाम, लखनऊ के लोग, लखनऊ की हस्तियां जो हैं, या जो भी हेरिटेज साइट है उसका दुनिया में नाम हो। क्या बात है, यहाँ तो हमारे यहाँ 9 बजे बात कहते हैं, कहाँ भैया आज अगर आ जाओ वापस। सही है, उनको पता है कि इसका बेनिफिट होगा। वरना एक दो दिन की शोहरत हर किसी को मिल जाती है, बट वो बैलेंस नहीं रह पाएगी। क्या बात है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस पूरे टॉक शो का फेवरेट सेगमेंट, दैट इज रैपिड फायर राउंड। लखनऊ तो मैं लोगों को दिखा ही रहा हूँ, अब लखनऊ के लोगों को भी मैं इस पे अपने पेज के थ्रू दिखा सकूँ, इसके लिए मेरा काम है। लखनऊ की शाम 10:90। हाय, हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, व्हाट एवर यू फील टू कनेक्ट विद उत्कर्ष ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंस्पायरिंग और टचिंग टॉक शो, दैट इज रियल कम रियल टॉक शो, जिसमें हम जानेंगे उन सभी इन्फ्लुएंसर्स के बारे में जिन्होंने अपनी रियल लाइफ से लेके रियल लाइफ तक की जर्नी को तय किया है, उनके एक्सपीरियंस, उनकी जर्नी और उनका अभी तक का क्या रहा उस जर्नी में एक्सपीरियंस, ये सभी सभी कुछ मिलेगा आपको इस सीरीज और इस टॉक शो में। तो इस टॉक शो की शुरुआत हम अपने प्यारे से लखनऊ शहर से करेंगे, जिसमें यहाँ के इन्फ्लुएंसर्स ने व्लॉग्स बना करके, वीडियोस बना करके इस लखनऊ शहर में 4 चांद लगा दिए हैं। इसी में से एक है जिनका इंस्टाग्राम पे काफी हाई रीच है और जिन्हें लखनऊ की तरफ से काफी अवार्ड मिल चुके हुए हैं, और उन्होंने अपने पूरे लखनऊ को अपने कैमरे में कैद करने का एक जैसे प्रॉमिस सा कर लिया है। ही इज शाकिब खान। टॉक शो को स्टार्ट करने से पहले हम शाकिब के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं, यानी शाकिब आखिर है कौन, क्या किया है उसने लखनऊ के बारे में, क्या किया है लखनऊ के लिए। आइए जानते हैं शाकिब से खुद उनके बारे में कि उन्होंने लखनऊ में क्या क्या किया हुआ है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इस शो में इनवाइट करने के लिए। और जैसा कि मेरा नाम शाकिब खान है, और लखनऊ में आपने स्क्रॉल करते हुए रील या इंस्टा पे पेज देखा होगा आई लव लखनऊ, तो उसका मैं एडमिन हूँ। और ये मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूँ इस पे वर्क, और काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है लोगों को। और अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैं आया था यहाँ पे लखनऊ में, नीट की कोचिंग करता था, और यहाँ पे आकाश इंस्टीट्यूट में मैंने कोचिंग की है, फिर 1 साल मैं इंडिविजुअल भी कोचिंग किया हूँ। उसके बाद जब लॉकडाउन आया, वहाँ से टर्निंग फेज आ गया लाइफ में, वहाँ से फिर मैंने इंस्टा शुरुआत की, इसके लिए मैंने आई लव लखनऊ पेज बनाया, और उसके बाद से फिर आज आप लोग देख ही रहे होंगे यहाँ तक मैं आया हूँ आप सब लोगों के प्यार की वजह से। और लखनऊ की हर चीज़ें मैं कवर करना चाहता हूँ, दिखाता हूँ उसके अपने पेज के थ्रू, तो आप लोग जितना इसको प्यार देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। परफेक्ट शाकिब भाई, मतलब मैं क्या पूछूं, इतने सब कुछ अपने बारे में ही बता दिया। फिलहाल आखिर शाकिब से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं वो हम इस पूरे टॉक शो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस पूरे टॉक शो का पहला सेगमेंट। सबसे पहले शाकिब भाई, ये बताइए कि आपको ये जो आपने आई लव लखनऊ करके जो आपने ये पेज स्टार्ट किया है, इसका आइडिया कहाँ से आया? मतलब वैसे तो बहुत से लोगों ने किया हुआ है, लेकिन आपके जहन में ऐसा क्यों आया कि यार मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, कहाँ से आइडिया आया? बेसिकली ये आइडिया एक कह सकते हो आप इनोवेशन की तरह से है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे जब कोचिंग करता था तो जब ये कोरोना आया, जैसे कि हर कोई अपने गांव चला गया, जिसका गांव में भी कोई नहीं था वो किसी और रिश्तेदार के यहाँ भी गांव में जाके रहने लगा कोरोना के समय में। तो जब मैं गांव गया तो मुझे लगा कि यार लखनऊ याद आ रहा है, तो उसके लिए मैंने सोचा लाओ एक पेज बनाते हैं वीडियो। तो वहाँ तब इंस्टाग्राम से फोटो अपलोड कर सकते थे आप, अगर आपको याद हो, तो फिर मैंने सोचा कि लाओ आई लव लखनऊ नाम से पेज बनाता हूँ और इसके थ्रू पूरी ऑडियंस को दिखाऊंगा, मतलब हाँ लखनऊ में ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो उसको लोगों ने देखा, लोगों को अटैचमेंट हुई, बेसिकली इससे वो लोग और जुड़े जो लखनऊ को छोड़ के चले गए थे अपने गांव साइड, तो वो लोग इससे जुड़े और इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया, तो ऐसे ही पेज हमारा आगे आगे बढ़ता गया। तो आज आप इंस्टाग्राम के इस पेज को जो यूज़ कर रहे हैं और इतना लाइमलाइट में बने हुए हैं, तो इस पेज में आज इतनी अच्छी रीच है, इतने अच्छे फॉलोअर्स हैं, वैसे आप अकेले तो नहीं कर रहे होंगे, आपके पीछे कौन सी टीम है जो इस पेज में आपका कंट्रीब्यूशन है, आपका कोऑर्डिनेशन कर रही है? बेसिकली लोगों को लगता है कि टीम होगी, बट मैं सच बताऊं तो स्टार्टिंग में मैं इंडिविजुअली ही देखता था, बट इसमें मैं अपने भाइयों का नाम ऐड करना चाहूँगा। दरअसल आपको मैं बता दूँ, जब मैं यहाँ पर आया तो ये हुआ कि
सिर्फ यही करोगे तो मतलब क्या है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। फैमिली घर में होता है ना यार ये क्या है। तो मैंने डीफार्मा फिर कर लिया। अच्छा। चलो डीफार्मा कर लेते हैं, एक प्रोफेशन बना लेंगे फिर अपना, हो जाएगी। हाँ, अपना ये करते रहें, क्योंकि मैंने अपने घर वालों को भी बोल दिया था कि मतलब मैं अब यही करूंगा, बट मेरे डैडी बोलते थे कि मतलब तुम ये कर लो, क्या बोलते हैं कि इसी में पढ़ाई कर लो, अगर नहीं हुआ तो प्राइवेट भी कर लो, MBBS कर लो। बट मैंने उनको बोला कि नहीं पापा मैं नहीं करूंगा, मतलब मुझे यही इंटरेस्ट था। तो बोले अरे कुछ तो करोगे, तो फिर मैंने उसके लिए डीफार्मा कर लिया। उसके लिए अभी हमारा साइड से मेडिकल स्टोर का भी शॉप चलता है, काफी अच्छा है, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। मेरी फैमिली भी काफी सपोर्टिव है। तो ना वही होता है जो जानते हैं, आपने पूछा ना कि कैसे इसमें किसका सहयोग रहा। हाँ। तो यार मैं जब निकलता था, अभी जैसे अभी मैं शूट आने से पहले मैं एक गाना गए थे वीडियो शूट करने, तो जाने के लिए मुझे शॉप पे किसी न किसी को रखना पड़ता। तो मेरा भाई है छोटा काशिफ है, वो मतलब हमेशा सपोर्ट करता कि नहीं तुम जाओ मैं देख लूंगा, ये चीजें उसकी बहुत सपोर्टिव रहती। यानी कि फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है आपका। बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली का सपोर्ट तो इतना रहा है कि मैं क्या बता नहीं सकता। सही सही। वैसे आप अभी लखनऊ में बहुत से म्यूजिकल मिनी ब्लॉग्स बना रहे हो, ठीक है, जो कि काफी ट्रेंड कर रहा है आजकल, हर एक दूसरा बंदा बना रहा है। तो जैसे मैंने आपके उस इंस्टाग्राम के पेज को जब स्क्रॉल किया है तो मैंने देखा आप लखनऊ के आने वाले हर अपडेट्स को कवर कर रहे हो। तो उसमें आपका मोस्टली जो इंटेंशन रहता है वो क्या रहता है कि मुझे सिर्फ मॉन्यूमेंट्स कवर करने हैं, मुझे सिर्फ अपडेट कवर करने, मुझे सिर्फ ब्लॉग्स कवर, फूड कवर करने, या मुझे सिर्फ मतलब आई मीन इंटरव्यूज वगैरह कवर करने। तो आपका बेसिकली इंटेंशन क्या रहता है कि मैं किस थीम पे वर्क करूंगा? मैं लखनऊ की जो भी चीजें लोगों को मोटिवेट करती है या फिर लोगों को जोड़ती है, उनके चाहे वो हेरिटेज हो गई या फिर कोई नई चीज ओपन हो रही है या फिर गवर्नमेंट की किसी प्रोग्राम से वो जोड़ रही है, अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, तो मैं हर वो चीज को कवर करूंगा जिससे लखनऊ का नाम हो, लखनऊ आगे बढ़े, इसके लिए सिर्फ मैं फोकस करता हूँ। बेसिकली लखनऊ को प्रमोट ही करना मेरा मोटिव है। तो यानी कि आपका जो है वो किसी पर्टिकुलर थीम पे बेस्ड नहीं है कि यार मुझे मॉन्यूमेंट्स कवर करने, मुझे फूड कवर करने, मुझे क्लॉथिंग कवर करनी, आपका जो आपका लखनऊ को आप करते हो लखनऊ के लिए। लखनऊ है मेन मोटिव, लखनऊ से जो चीजें अटैच है बट वो पॉजिटिव हो। तो आप अभी कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हो मोस्टली? यार देखो मेरी शुरुआत तो बेसिकली इंस्टाग्राम से हुई थी, तो इंस्टाग्राम तो मेरा एक हिसाब से मेन मोटो इंस्टाग्राम ही रहता है। तो जैसा आपने बताया कि आपका जो स्पेशली आप जिससे फ्रेंडली हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो है इंस्टाग्राम। तो अगर आप मतलब कल को यूट्यूब पे स्विच करेंगे तो आपको क्या लगता है कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम में किस पे फेम जल्दी किसी पर्सन को मिल सकती है, क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई ये स्टार्ट करना चाहे तो उसे यूट्यूब पे अपने आप को स्विच करना चाहिए या इंस्टाग्राम पे स्विच करना चाहिए? नहीं देखिए, सबसे पहले तो इसमें दो चीज़ होती है, एक होता है लॉन्ग फॉर्मेट का वीडियो, एक होता है शॉर्ट फॉर्मेट। बेसिकली लोगों को लगता है शॉर्ट फॉर्मेट जल्दी फेम दे देता है, लॉन्ग फॉर्मेट, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली अगर आपके अंदर टैलेंट होगा तो ही आप शॉर्ट फॉर्मेट भी बना पाओगे, और उसमें उस हिसाब की एडिटिंग, उस हिसाब कंटेंट डालना, वो भी एक आइडिया होना चाहिए। तो बेसिकली दोनों चीज का इंपॉर्टेंस है, बट आदमी जो इन्फ्लुएंसर होता है वो अपने हिसाब से शिफ्ट कर लेता है। जैसे आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जानते हो वो लॉन्ग फॉर्मेट ही बनाते हैं, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर हो गए बहुत सारे, तो उसमें आप देखो ये सिर्फ लॉन्ग फॉर्मेट में ही फेमस है, और कुछ होते हैं शॉर्ट फॉर्मेट के लिए फेमस है, तो वो अपना नीच चुन लेते हैं, तो जिसमें वो फेमस होते हैं फिर उसी के थ्रू वो अपनी लाइन आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने देखा है मतलब इंस्टाग्राम पे तो लाइक हमने ऐसे किया 30 सेकंड में खत्म चीजें, लेकिन जो ट्रैवल ब्लॉग लंबे लंबे रहते हैं जो मोस्टली किसी ऋषिकेश का शूट किया या फिर अंबेडकर पार्क का शूट किया, तो उन्होंने पूरा वो वीडियो दिखाया, तो वो उनका यूट्यूब पे स्विच करना बेटर रहेगा। और जो शॉर्ट वीडियोस के लिए हैं वो मैं कहूंगा कि मतलब आई मीन आप इंस्टाग्राम पे। नहीं नहीं, पहले ये था बट जो आपने बोला वो पहले था बट अब नहीं है। उससे यानी कि आपका कोई ऐसा स्पेशली नहीं है कि आप मतलब यूट्यूब पे ही रहो या फिर इंस्टाग्राम पे, दोनों पे आपको फेम मिल सकती है। बट एक चीज रखना पड़ेगा कि मतलब अगर आप जिस फॉर्मेट की वजह से जाने जा रहे हैं वो बैलेंस करना पड़ेगा। तो शाकिब भाई, अभी जैसे मैंने बात कर रहा हूँ कि आप ना मिनी व्लॉग्स जो हैं या मिनी वीडियोस जो हैं वो ज़्यादा बना रहे हो, तो अभी फ्यूचर में आपका क्या प्लान है कि आप कुछ लंबे व्लॉग्स या कुछ इंटरव्यूज या कुछ और लखनऊ के लिए ऐसा करेंगे जो मतलब इस जो अभी दायरा है आपका उससे थोड़ा सा बाहर निकल करके थोड़ा सा बड़ा करने का, ऐसा कुछ सोचा है आपने? नहीं, आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। बेसिकली मैं बताऊँ तो मतलब मैं पहले तो सबसे पहले जो इंस्टाग्राम रील बना रहा हूँ इसमें अभी बहुत सारी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, अभी बेसिकली कई चीज़ें करना है, इसको मैं इंप्रूव और करूँगा।
करूंगा, बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, और मेरा जितना भी आगे भी वर्क होगा वो लखनऊ से ही अटैच रहेगा। बस इसी को बड़े लेवल पे करते जाएंगे। और मैं सोचता हूँ लखनऊ का नाम, लखनऊ के लोग, लखनऊ की हस्तियां जो हैं या जो भी हेरिटेज साइट है उसका दुनिया में नाम हो, बस यही। देख रहे हो भाई, यही होगा। इसी को बोलते हैं तगड़ा प्रमोशन के लिए पहले से अपने व्यूअर्स पे टोना। वैसे बहुत अच्छी बात है कि हमें अपने लखनऊ के लिए, इवन मतलब कि अपने लखनऊ के लिए इतनी शिद्दत दिखाना, अगर किसी सिटी से इतना प्यार है तो क्या कहने यार, रीच तो अपने आप ही जाएगी, फॉलोअर्स तो अपने आप आएंगे, लोग तो अपने आप जुड़ेंगे, अगर आपको शिद्दत से किसी भी सिटी से इतना प्यार है। बट मुझे लगता है कि फॉलोअर और इन्फ्लुएंसर आपको शॉर्ट टर्म के लिए मिल जाएंगे। अगर आप मतलब ये चाहोगे मुझे फॉलोअर मिल जाए तो एक दो वीडियो वायरल हो गए आपको मिल जाएंगे, बट उसको बैलेंस करने के लिए आप में वो टैलेंट होना चाहिए। आप देखोगे बहुत लोग होंगे, आप ट्रेंडिंग में देखते होंगे आज ये टॉपिक ट्रेंडिंग थी, आज ये इंसान ट्रेंडिंग था, कुछ दिनों के बाद वो गायब हो जाते हैं। वो बैलेंस नहीं कर पाते, वो जानते हैं इसलिए बैलेंस नहीं कर पाते क्योंकि वो शुरू से नहीं है। जब आप टाइम दोगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा आपका, तो आप उसको बैलेंस कर लोगे। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आपको उस प्रोफेशन में काफी वर्क करना पड़ेगा तो ही आप बैलेंस कर पाओगे, वरना एक दो दिन की शोहरत हर किसी को मिल जाती है बट वो बैलेंस नहीं रह पाएगी। क्या बात। शाकिब, मैंने इंस्टाग्राम पे तुम्हारा देखा है और बाहर भी दो तीन पोस्ट में देखा हुआ है कि तुम्हें कुछ MX प्लेयर के थ्रू कुछ अवार्ड वगैरह मिला हुआ है रिसेंटली, अभी क्या है थोड़ा उसके बारे में बताओ हमें। हाँ, अभी MX प्लेयर का जो मुझे अवार्ड मिला था, ये आपका फिनिक्स प्लासियो मॉल में इवेंट काफ़ी अच्छा हुआ था। ये आपके यूपी का फर्स्ट ऐसा शो था जो कि MX प्लेयर पे फीचर हुआ, अवार्ड शो था और फैशन नाइट भी हुई थी, और इसमें मुझे बेस्ट ब्लॉगर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। तो उसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। काफी अच्छा लगता है, ये सब आप ही लोगों की वजह से होता है। तो घर में तो लाइन लगी होगी अवार्ड की। नहीं, काफी हो गए हैं। हाँ, ये तो है, काफी हो गए हैं, बट इतना भी नहीं कि हाँ काफी लाइन लगी है, अभी तो आगे करेंगे, बट हाँ काफी सारे अवार्ड मिल चुके हैं, 10-15 तो हो चुके हैं। अच्छा, ये सब अभी इतना फेम मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है लखनऊ का, और मतलब इतनी सारी चीजें आपकी लाइफ में अभी हो रही है, बट फैमिली का रियल में कितना सपोर्ट है? अगर देखो, एक ये तो ठीक है फैमिली है, लाइक आपको कह दिया आप करो करो करो, लेकिन जैसे आपने कहा कि आपने बी फार्मा किया था, तो फैमिली मेरी मम्मी और भाइयों का तो पूरा फुल सपोर्ट है, कुछ भी कर लो मतलब अच्छा कर रहे हो, बट मेरे डैडी सोचते हैं कि यार कर लेता है, MBBS कर लेता है या फिर BMS कर लेता है, अभी भी कहते हैं कि अभी भी करा लो, बट मैं उनको समझाता हूँ। हाँ हाँ, तो मैं कहता हूँ पापा मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर वो भी अब धीरे धीरे समझ गए कि ठीक कर रहा है, अच्छा है यार। अच्छा शाकिब, एक चीज़ जो शायद मुझे नहीं पूछनी चाहिए पर मैं पूछूंगा कि क्या आपको सच में फ्यूचर को लेके कुछ डर लगता है कि अगर ये कभी इंस्टाग्राम पे मेरी रीच नहीं गई या मेरी उतनी पॉपुलरिटी गिरने लगी, तो आपको क्या लगता है, मतलब आप इस फियर को आगे के लिए कभी सोचते हो कि यार मुझे अगर मैं ऐसा कुछ होता है तो मैं क्या करूंगा, ये कुछ आपके जहन में ऐसा कुछ आता है कि? वैसे नेगेटिव क्वेश्चन है बट एक हमें अपना फ्यूचर के लिए जो होता नहीं कि यार अभी तो चलो हमारी हाइक चल रही है, लेकिन फ्यूचर में कभी कभी बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, तो उसको लेके आपने कुछ ऐसा कभी मतलब रिमाइंड किया है? ये आपने इन्फ्लुएंसर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन पूछा है। हाँ, बेसिकली निगेटिव वो उससे नहीं मतलब, लेकिन ये क्वेश्चन आपने जो पूछा बहुत बेस्ट पूछा है, क्योंकि हम अपनी जब सक्सेस पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अभी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, हाँ, तो लगता है कि यार मैंने 3 बार अटेम्प्ट कर लिया, 4 बार अटेम्प्ट कर लिया, जा नहीं रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो कभी कभी वो चीजें कम होने आती है, तो वहां पे आपने क्या सोचा है उस चीज को? आपको फैमिली से प्रेशर होता है तो ये चीजें हावी हो जाती है आप पे कि यार अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, घर वाले क्या बोलेंगे, बट अगर आपकी फैमिली का पूरा सपोर्ट है कि यार चलो कोई दिक्कत नहीं, ये कर रहा है अपने से कर रहा है, अगर नहीं भी हुआ तो ये चीज़ें हैं, इससे ये बोल देंगे तुमने ये किया अब ये करो, वहाँ छोड़ दिया तो अब यहीं पे बैठो, और मैं इसके लिए वर्क करूँगा। अगर बाई चांस ये चीज़ें आप कह रहे हैं कि ये हर इन्फ्लुएंसर के दिमाग में आती है, बट मेरे में नहीं आ रही है, इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मुझे फैमिली का सपोर्ट बहुत हाई लेवल का है। मैं सच बताऊँ, मुझे फैमिली मेरी इतना सपोर्ट करती है कि मैं अगर उनसे बोल दूँ कि मैं आज 2 बजे तक शूट में हूँ, तो वो ये नहीं पूछेंगे कहाँ पे हो, ये कहेंगे ठीक है तुम जाओ हम देख लेंगे। क्या बात है, यहाँ तो हमारे यहाँ 9 बजे की बात कहते हैं, कहाँ भैया आज अगर आ जाओ वापस। सही है ये सपोर्ट होना ही चाहिए, इसका बेनिफिट होगा। ऐसा सपोर्ट होना चाहिए, हर एक माँ बाप को अपने बच्चों के ड्रीम्स को लेकर के सपोर्ट करना चाहिए, वो भी जब कोई इतनी शिद्दत दिखा रहा हो तो। अच्छा, अब इस सीरीज को हम मतलब इस पूरे टॉक शो को हम एंड करते हैं, और आप इस लखनऊ के वाले जितने भी लोग हैं या लखनऊ में जो लोग ऐसा कुछ स्टार्ट करने वाले हैं,
उसको लेकर के आप एक रियल या फिर एक जो मतलब ना बिना फिल्टर वाली जो एक मोटिवेशन देना चाहते हैं या मैसेज देना चाहते हैं वो क्या होगा? मैं तो मतलब यहाँ के जितने भी लोग हैं उनसे बस यही बोलना चाहूँगा, या फिर लखनऊ से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, कि आप लोग जिस भी प्रोफेशन में आना चाहते हैं या फिर लखनऊ के लिए ही कुछ करना चाहते हैं बेसिकली कीजिए, बट उससे पहले आप अपने दिल से पूछिए कि करना क्या है। अगर आपका दिल लगता है कि मतलब हाँ मुझे ये करना है तो ही कीजिए, बाकी फैमिली हमेशा सपोर्ट नहीं करती है, स्टार्टिंग में तो आप ही को करना होगा, बट ये है कि फैमिली को आप पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो भी गलत नहीं करते, तो उनका एक पक्ष लेते हुए भी आप वर्क करो। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसको काम करने के बाद आप अपने काम को फोकस करिए, पूरी तरीके से किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब कि हम अपने पैशन को कैरी करते हुए जो माँ बाप की चीज़ें हैं उनको भी रखिए, बात वो आपके लिए तक करते हैं, निग्लेक्ट नहीं कर सकते। और ऐसा भी नहीं कह सकते नहीं मैं इनको हटा के मैं दो दिन में बहुत बड़ा वो बन जाऊंगा, तो ये चीजें गलत है, कोई नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब उनका 100% या वर्क करो, उनको समझाओ कि मैं ये कर रहा हूँ इसमें ठीक है, उनके साथ साथ उनकी भी कुछ चीज़ें करते रहो, अगर कुछ बोल रहे हैं तुम्हारे पास टाइम है तो वो भी करो। मतलब कि आपको माँ बाप की बातों को ध्यान में रख के अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, ये लखनऊ को आप मोटिवेशन या मैसेज देना चाहते हैं बेसिकली। तो चलो ये बातें हुई बड़ी सोच विचार करके बताने वाली कि चलो भाई ये हुआ फैमिली में, इसने सपोर्ट किया, हम ये कर रहे थे, हम वो कर रहे थे, ये चीज़ें हमने बड़ी सोच विचार करके बताई। लेकिन अब शाकिब से पूछते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो क्विक क्विक पूछेंगे और देखेंगे कि शाकिब को क्या सच में लखनऊ को लेकर क्या चीज़ें हैं जो उनके वन वर्ड में आती हैं। तो अब हम देखेंगे इस पूरे टॉक शो का जो फेवरेट सेगमेंट है, डेट इज रैपिड फायर राउंड, और वहां पे हम जानेंगे कि शाकिब के मेरे वर्ड बोलते ही कौन सा वर्ड पहले आता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस पूरे टॉक शो का फेवरेट सेगमेंट, डेट इज रैपिड फायर राउंड। तो शाकिब भाई मैं कुछ आपसे कुछ वर्ड्स रखूंगा और उसको आपको तुरंत उसका ही वन वर्ड में आंसर देना है। तो अगर हम इस रैपिड फायर को स्टार्ट करते हैं तो पहला जो मेरा रहेगा डेट इज आपका फेमस फूड कबाब पराठा, लखनऊ की शाम 1090, रिलीजियस प्लेस। रिलीजियस प्लेस में सबसे पहले तो आप ओल्ड लखनऊ में जाएंगे, हुसैनाबाद साइड, ये टीले वाली मस्जिद, बड़ा इमाम बाड़ा, ये काफ़ी अट्रैक्टिव मुझे लगता है। और उसके बाद आप जब आगे बढ़ो तो हनुमान धाम सबसे फेमस और सबसे ब्यूटीफुल मुझे टेम्पल के अड्डा हाँ अड्डा बता नहीं सकते आप बेसिकली, बताऊँ तो जब वहाँ कोई नहीं जाता तब से हम लोग वहाँ जाते हैं। कॉलेज KGMC, रेस्टोरेंट्स हमटुम बंटी, गोमती नगर में बहुत पसंद है। पार्क्स में तो कई सारे हैं, आपका सबसे फेवरेट मुझे लगता है चनेश्वर मिस पार्क। मॉल्स में सबसे अच्छा मुझे तो लगता है एमराल्ड मॉल, और बाकी ऐसे तो कई सारे मॉल। हाँ एक और नाम लेना चाहूँगा मैं सबसे बेस्ट में, सहारागंज मॉल, अभी ये इस समय कम चल रहा है, बट आपको मैं बताऊँ अगर लखनऊ में असली मॉल का आपको मजा लेना है या फिर असली फीलिंग वो लेनी है तो आपको सहारागंज मॉल ही देगा, इसमें सहारागंज को ही पहले रखेंगे। फॉर डेट यार फिर मेरे लिए वही आएगा, हम तो मंटी आएगा और आप भाई शर्मा रहा है क्योंकि उस जगह पे पता लग गया तो लोग पहुंच जाएगी, मिल जाए आपको। विद फैमिली तो कई सारी जगह है, सबसे पहले तो अगर आपको विद फैमिली जाना तो मैं आपको बोलूँगा आप अपनी फैमिली के साथ इवनिंग वॉक पे जाइए जनेसर मिस पर, बहुत बेस्ट प्लेस है, आप अपनी फैमिली साथ जाइए वहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। और अगर खाने पीने के लिए आपको जाना है तो आपको मैं बोलूँगा आप पुराने लखनऊ में अकबरी गेट साइड जाइए। तो ये रहा रैपिड फायर जो हमारे आई लव लखनऊ के जो पूरा पेज को मतलब रन करते हैं शाकिब ने बताया, तो इन सब डेस्टिनेशंस पे आप जा करके अपने लखनऊ की शामों को बहुत अच्छा कर सकते हो। ओके तो ये था हमारा आज का रील कम रियल टॉक शो, कैसा लगा आपको बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। बाकी और अपडेट के लिए हम इसी YouTube चैनल पे और Instagram पे मिल जाएंगे। और कैसा लगा ये आपको टॉक शो, ये हमारे शाकिब भाई का जो Instagram पेज है वहाँ बताइएगा, मैं भी Instagram पे मिल जाऊँगा एम उत्कर्ष रॉक स्टार के नाम से। अब अगला कौन ऐसा इन्फ्लुएंसर है जो आपको इंस्पायर करेगा देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड कीप हेल्थी, बाय बाय।